हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूरल इंडिया एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त क्रिकेट बडी, और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको स्विच हिट कैसे खेलना है, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रिवर्स स्वीप कैसे खेलना है। तो दो आज आपको शॉट सीखनी है कि स्विच हिट कैसे खेलना है और रिवर्स स्वीप कैसे खेलना है। स्विच हिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्विच हिट को इन्वेंट किया था इंग्लैंड के जाने माने क्रिकेटर केविन पीटरसन ने, और आजकल के दिनों में देखने को आया है कि बहुत सारे मॉडर्न क्रिकेटर ने भी ये शॉट खेलना चालू कर दिया है, जो कि T20 में काफ़ी सक्सेसफुली ये शॉट को मारा जाता है। आप भी हमको देखकर पूरी तरीके से ये शॉट सीख सकते हैं और खेल भी सकते हैं। तो हमको वॉच करिए टिल द एंड और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ध्यान रहे इस बात को, जब कभी भी आपको स्विच हिट खेलना रहेगा तब आपको अपना स्टांस चेंज करना है आफ्टर द रिलीज। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आफ्टर द रिलीज, जब तक बॉलर बॉल को रिलीज नहीं करेगा आपको अपना स्टांस चेंज नहीं करना है। तो ध्यान रखें इस बात को, आपको स्टांस चेंज करना है आफ्टर द रिलीज, और कवर करना है तीनों स्टंप को, क्योंकि मैं खड़ा हूँ आड़ा स्टंप के, और जब कभी भी गेंद मेरे बॉडी के लाइन पे आएगी उसी को लिफ्ट करके मारना है आपको स्विच हिट शॉट छक्का, क्योंकि ये शॉट ज़्यादातर T20 में खेला जाता है और खेला जाता है केवल स्पिनर को। तो ट्राई करिएगा कि आपको ये शॉट को केवल स्पिनर को ही खेलना है लॉफ्टेड। इस बात को, जब कभी भी आप रिवर्स स्वीट या फिर स्विच हिट खेलने के लिए अपना स्टांस चेंज करेंगे तब आपका जो हेड पोजीशन है वो हिलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मेरा हेड पोजीशन हिलता है तो बॉल मिस होने का डर रहेगा, मेरे से बीट होने का डर रहेगा। तो आपका हेड पोजीशन जितना स्टिल रहेगा, जितना बॉल के नज़र में रखेंगे, आप अपनी नज़र में रखेंगे, उतना ही अच्छे से आप बॉल को कनेक्ट कर पाएंगे और बाउंड्री क्लियर कर पाएंगे आसानी से। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, स्टांस चेंज, हेड स्टिल एंड स्वीप द बॉल। तो गाइस, आप स्विच हिट को दो तरीके से खेल सकते हैं। एक होता है केपी स्टाइल, मैं आपको दिखा देता हूं केपी स्टाइल लाइक दिस। मैंने अपने ग्रिप को चेंज किया है, साथ में स्टांस को चेंज किया है और लॉफ्टेड कर दिया है बॉल को। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं अपना ग्रिप चेंज नहीं करता, केवल करता हूं अपना स्टांस चेंज और लिफ्ट कर देता हूं बॉल को कुछ इस प्रकार से। तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, एक मेरा वाला स्टाइल और एक केपी वाला स्टाइल। तो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स स्वीप के बारे में। तो रिवर्स स्वीप खेलने का एकदम आसान तरीका, इजी तरीका ये है कि आप अपने लेफ्ट स्टंप को कवर कर लीजिए। ध्यान रहे कि दोनों स्टंप को कवर नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको रिवर्स स्वीप खेलना है तो आपको गेंद की लाइन पे आना पड़ेगा और हेड को स्टिल रखना पड़ेगा, बॉल को अपनी नज़रों में देखना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से, हेड स्टिल, फुल स्ट्रेच ऑफ योर फ्रंट लेग एंड देन स्वीप द बॉल लाइक दिस। ध्यान रहे कि जब कभी भी आप रिवर्स स्वीप खेलेंगे, अगेन आपका जो सर है वो हिलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तब आप एक्यूरेसी के साथ रिवर्स स्वीप खेल सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस इज़ अ की, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप शॉट में परफेक्ट होते जाएंगे। तो लगातार लगातार प्रैक्टिस करते ही रहो यार, और प्लीज़ क्रिकेट खेलो। और जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं और सब आप सभी लोग को सोल्यूशन देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और नीचे कहीं पर भी बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।